मेरे भारतवासियों, आपको याद ही है कि हम लोग काफी समय से भारत सरकार को और आप सबको वातावरण में गंधक की मात्रा बढ़ाकर इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। और ये खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको 5 अप्रैल रविवार को रात के 9 बजे, ठीक 9 बजे, दिया जलाने के लिए बोला है। हम दिवाली पर जब देखते ही हैं कि सरसों के तेल के दिए जलाते हैं, मुंडिया पर रखते हैं, इन दियों में होता क्या है? इन जब पूरे देशवासी इन दियों को जलाएंगे तो वातावरण में गंधक की मात्रा इतनी हो जाएगी जितनी चीन के वुहान शहर में 10 फरवरी 2020 को हुई थी, और वो थी 1350 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर, और जिसके कारण वहां से सारे कोरोना के जितने वायरस थे वो खत्म हो गए। गंधक में जीवाणुनाशक ताकत को देखते हुए हमने आप लोगों से अपील की थी, आप गंधक को जलाइए, कूड़ा जलाइए। सरकार से अपील की थी वो फर्नेस ऑयल जलवाए और जो तांबे की फैक्ट्री है तुतीकोरण की उसको खोले और उसकी जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है उसको वातावरण में छोड़े। एक साजिश के तहत आपको फंसाया गया था, किंतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमने उनको सुझाव दिया था उसको माना और वातावरण में गंधक की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको दिया जलाने के लिए बोला है। मैं एक मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ IIT रुड़की से। जो सरसों का तेल होता है उसका फार्मूला होता है C4H5NS। 99 ग्राम सरसों के तेल में 32 ग्राम गंधक होती है, यानी कि 100 ग्राम यदि सरसों का तेल जलाया जाए तो उससे आपको 63 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। मतलब ये बहुत बड़ी ऊंची बात है कि कूड़े में ये खाली एक टन में 1 किलो होती है, अखबार की रद्दी में 1 टन में 500 ग्राम आधा किलो होती है, पटाखों में भी लगभग 20% होती है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने प्रधानमंत्री जो हमारे राजा हैं और प्रधान सेवक कहते हैं, आपको परम सेवक कहते थे जनता का। हम लोग राजा में विष्णु का अंश मानते हैं, आप अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास रखिए, उनमें भगवान विष्णु का अंश देखिए आप उसमें, और उन्होंने जो कहा है उसको पालन कीजिए, और कचकड़ना कुछ नहीं है। देखिए आपको ये सरसों का तेल है, आप लीजिए सरसों के तेल को और ये सब दिए जलाइए, और दिए जलाकर आप अपने घर की मुंडिया पर रख दीजिए, जिसके कारण वातावरण में गंधक की मात्रा इतनी हो जाएगी कि वो चीन के शहर वुहान को भी पीछे छोड़ देगी और कोरोना वायरस का हर पूरे देश से विनाश हो जाएगा। जो मरीज हैं उनको ठीक होने में वक्त लगेगा। और इसी के साथ साथ मैं ये अपील भी करता हूँ कि फिरंगियों ने आज से 100 साल पहले यहाँ पर प्लेग नाम की महामारी फैलाई थी, जिसमें 12 करोड़ हिंदुस्तानी मारे गए थे। मेरे परिवार के भी, मेरे पिताजी बताते थे, 8 मारे गए थे। उठाकर लाते दूसरी तैयार, दूसरी उठाकर लाते तीसरी तैयार। आज सोनिया गांधी और उसकी जो चंडाल चौकड़ी के लोग हैं, चाहे शशि थरूर हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, जो देश को मजाक उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील का, ये देश को धोखे में ला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वही किया जो उसको करना चाहिए था, वो गंधक की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ा रहे हैं और कीटाणु का विनाश कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य इन लोगों को बता दिया गया, किंतु उसके बाद भी, क्योंकि ये 130 करोड़ हिंदुस्तानी को मारना चाहते हैं, ये पूरी देशद्रोही टोली है, टुकड़े टुकड़े गैंग की टोली है ये, और ये चाहते हैं कि भारत में भी इटली की तरह सुनसान बन जाए भारत में। मेरी आप लोगों से अपील है कि अपने प्रधानमंत्री, अपने प्रधान सेवक, अपने राजा जिसमें हम विष्णु का रूप देखते हैं उसकी बात को माने, और 5 तारीख की रात के 9 बजे अपने घर की मुंडेर पर दिए जलाइए, बालकनी में दिए जलाइए, और इस कोरोना नाम की महामारी का विनाश कीजिए। भारत माता की जय।